नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद किले में। तो आज मैं आपके साथ बाजरे की रोटी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दो तरह से मैं आपको बाजरे की रोटी बनाना सिखाऊंगी, तो आप तो बिना फटे झटपट से आप बाजरे की रोटी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है बाजरे का आटा। तो जितना साइज़ की आप बाजरे की रोटी बनाना चाहते हैं उतना आप आटा ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी जितना आटा लिया है। कोई कोई बाजरे की रोटी में नमक डालता है। अगर आप नमक वाली रोटी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका डो तैयार करना है। पानी हमें बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा ही डालना है और हथेलियों से हमें इस तरह से इसे मसलना है। 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही हमें इसे मसलते रहना है। ऐसे मसलने से ही हमारी जो रोटी है वो फटेगी नहीं। तो हथेली के इस भाग से हमें 3 मिनट तक ऐसे मसलते रहना है। मसलने से ही जो रोटी है वो एकदम स्मूथ बनेगी और बिल्कुल भी फटेगी नहीं। तो यहाँ पे अब हमारा डो है वो बनके तैयार हो चुका है। हम इसका एक बोल बना लेंगे इस तरह से। तो हथेली में हम थोड़ा सा पानी लेंगे और इस तरह से इसे प्रेस करते हुए बनाते जाएंगे। तो हमें यहाँ पे हथेलियों का ही यूज़ करना है। तो धीरे धीरे रोटी है वो बड़ी होती जाएगी। फिर से हम एक हाथ में पानी लेंगे जिससे जो रोटी है वो हाथ में चिपकेगी नहीं। जो ऊपर का किनारों का भाग है वो भी हमें पानी से इस तरह से स्मूथ कर देना है और इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हमें रोटी को बना लेना है। अगर किनारे की जो साइड है वो थोड़ी पतली या मोटी लगे तो हमें उंगलियों की मदद से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। बाजरा पोषक तत्वों से भरपूर मिलेट्स है। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो इसे हमें खाना ही चाहिए। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट रोटला यानी कि बाजरे की रोटी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको इस तरह से बाजरे की रोटी बनाना मुश्किल लग रहा हो तो मैं आपको यहाँ पे दूसरी रीत सिखा रही हूँ। तो पहले हम यहाँ पे बोल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आटे का मैंने बोल पहले ही तैयार करके रख दिया है। यहाँ पे हम लेंगे चकला और उसके ऊपर सूखा आटा हम छिड़क देंगे, इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। इससे बाजरे की रोटी है वो चकले के साथ चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पे बोल को हम चकले के ऊपर रख देंगे और हथेलियों की मदद से इसे गोल गोल घुमाते हुए बड़ा करते जाएंगे। तो ऐसे ही हमें इसे धीरे धीरे गोल गोल घुमाना है। धीरे धीरे ये जो बाजरे की रोटी है वो बहुत ही आसानी से बड़ी होती जाएगी। इसके जो किनारे की साइड है वो अगर पतली या फिर मोटी लगे तो आप इसे हथेलियों की मदद से पतला या फिर बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आसानी से बाजरे की रोटी बनके तैयार हो गई है। तो अब हम इसे सेक लेंगे। तो दो तरह से मैंने आपको बाजरे की रोटी बनाना सिखाया है। आपको जो भी रीत अच्छी लगी हो उसको आप फॉलो कीजिए। अब हम इसे सेक लेंगे। तो इस तरह से इसे पलट देंगे। दूसरी साइड भी सिकने के बाद उसे भी अच्छी तरह से सभी साइड से पका लेंगे। यहाँ पे मैंने मिट्टी का तवा ही यूज़ किया है, उसी का यूज़ करते हैं बाजरे की रोटी बनाने के लिए। अब हम दूसरी साइड भी अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पे एकदम कुरकुरी बाजरे की रोटी बनके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। अब हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे। घी लगाने से बाजरे की रोटी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बाजरे की रोटी बहुत सारी सब्जियों के साथ खाने में अच्छी लगती है, जैसे भिंडी की सब्जी के साथ या फिर आप इसे बैंगन के भरते के साथ भी खा सकते हैं। साथ ही बैंगन और आलू की सब्जी के साथ भी ये रोटी खाने में अच्छी लगती है। गुजराती कढ़ी के साथ हम इस बाजरे की रोटी को खा सकते हैं। साथ में ही ये बहुत ही पौष्टिक भी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।